आप देख सकते हैं कि मंचूरियन बॉल्स कितने सॉफ्ट बने हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म नूडल्स के साथ सर्व करें या फ्राइड राइस के साथ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा या यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन या कैवेज मंचूरियन बहुत ही इजी, सिंपल और परफेक्ट तरीके से। तो लिया है मैंने 250 ग्राम पत्ता गोभी चॉप किया हुआ। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें या चॉपर में चॉप कर लें या चाकू की मदद से बारीक काट लें। आप मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक गाजर कद्दूकश किया हुआ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। एक चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसके बाद इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसके बाद एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, यह है एक चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस आप ज्यादा ना डालें, एक चम्मच काफी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो चम्मच मैदा और इसके बाद दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, और अगर हमें बाद में ज़रूरत लगी तो हम इसमें और भी मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। लेकिन आप मंचूरियन बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर दें कि ज़्यादा कॉर्नफ्लोर या मैदा ना ऐड करें, नहीं तो मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल आटे आटे से लगेंगे, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जब आप इसे खाएंगे तो आटे का टेस्ट आएगा। तो इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए। ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा था तो मैंने एक चम्मच मैदा इसमें और ऐड किया है। इसे फिर से मैं मिक्स करूंगी तो ये अच्छी तरह से अब बाइंड हो चुका है। तो 250 ग्राम पत्ता गोभी में मैंने 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है बिल्कुल भर भर के। तो मैं बाउल बनाकर देख लूंगी। तो बाउल्स बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। तो मैं पहले अपना हाथ साफ करूंगी, उसके बाद इसके बाउल्स बनाकर तैयार कर लूंगी। तो चलिए अब हम बनाएंगे मंचूरियन बाउल्स। तो इस तरह से आप दोनों हाथों की मदद से गोल गोल मंचूरियन बना लें। थोड़ा साइज आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। तो इस तरह से हम सारे मंचूरियन बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई रख दी है गैस पे, तेल भी ऐड कर दिया है। तो मंचूरियन को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तेल अब गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो एक बार में जितने बॉल्स आएंगे मैं डाल दूंगी और इसे बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए नीचे से अब ये फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे दूसरे साइड से पलट दूंगी। आप इसे हल्के हाथों से पलटें और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पे इसे हम इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तो आप मीडियम साइज के ही मंचूरियन बनाएं, अगर आप बड़े बनाएंगे तो उन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, फ्राई हो चुके हैं ये। तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। तो ये देखिए सारे मंचूरियन फ्राई कर लिए हैं मैंने। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया एक कटोरी, इसमें ऐड किया है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, मैंने ब्राउन विनेगर का यूज किया है, आप चाहें तो व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है हमें, थोड़ा सा पानी ऐड करके, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें इसे। जो सॉसेस मैंने यहाँ पे मिक्स किए हैं आप चाहें तो कढ़ाई में भी डाल सकते हैं सब्जियों के साथ। तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, लगभग 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच तेल, फ्लेम को हाई रखें। इसके बाद 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च, मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज और आधी शिमला मिर्च ली है, इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद जो हमने घोल बनाकर रखा है उसे इसमें ऐड कर देंगे।
तो ये मैंने ऐड कर दिया घोल कॉर्न स्टार्च और सॉसेस का। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये घोल अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। स्वाद अनुसार नमक, और इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। और एक उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से उबलने लगी है और पक चुकी है। तो जो मंचूरियन बॉल्स हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करके फ्लेम को बंद करके इसे गर्मा गर्म नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ आप सर्व करें, या तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए अब मैं इसे प्लेट आउट करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा या यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।